किच्छा में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है तो लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पानी काशीपुर रेलवे ट्रैक से होते हुए लालकुआ से निचले आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच रहा है, जिसके चलते ग्राम जवाहर नगर शांतिपुरी बिंदुखत्ता क्षेत्र के खेत भी जलमग्न हो गए। बारिश के चलते लोग घरों में कैद हैं। बारिश इतनी है कि कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन किच्छा के रेलवे ट्रैक भी डूबा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्य की समीक्षा की और बैठक में मानसून सीजन की चुनौतियों से निपटने के लिए जन समस्याओं पर चर्चा की। वहीं समीक्षा बैठक से पहले सीएम ने 133 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मूसलाधार बारिश की वजह से सितारगंज का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का काफी हिस्सा बाढ़ की चपेट में आने से दहशत फैल गई है। नगरपालिका प्रशासन एक जेसीबी मशीन की मदद से 30,000 मतदाता वाले वार्डों में जल निकासी के लिए तत्परता से जुटा हुआ है। इस वजह से शहर का करीब 60% हिस्सा बाढ़ की चपेट में आने से बच गया, जबकि 30% हिस्से में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जल निकासी के लिए प्रशासन के पास प्रभावितों के फोन आने लगे, लेकिन शहरी क्षेत्र में एक जेसीबी मशीन होने के कारण कई स्थानों पर जल निकासी के लिए प्रशासन के साथ ही प्रभावितों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर जिले में शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे में लगभग 63 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसमें सबसे कम रुद्रपुर में 22 मिमी तो सबसे ज्यादा 98 मिमी बारिश घटीमा में दर्ज की गई। लगातार बारिश से जिले में पारा 3.5 डिग्री लुढ़क गया है। अनवरत बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर है। खटीमा टोल के पास पूरा शहर मूसलाधार बारिश से जलमग्न हो गया। जलभराव के कारण खेतल संडा खाम के 25 ग्रामीणों को राहत शिविर में रखा गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनुमान चट्टी के पास गुड़सिल में एक एक्सावेटर मशीन के ऊपर पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। जोशीमठ तहसील प्रशासन की ओर से यहां दोनों ओर फंसे तीर्थ यात्रियों को पानी, बिस्किट, नमकीन, शीतल पेय और जरूरी राहत सामग्री बांटने के साथ मार्ग को सुचारू किया जा रहा है। यहां पर बोल्डर से दबी एक्सावेटर मशीन को निकालने और सड़क से बोल्डर हटाने का काम जारी है। जल्दी मार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर लिया जाएगा। किच्छा के कांग्रेस से विधायक तिलक राज बिहण ने ज्यादा बरसात के कारण जलभराव की सूचना मिलने पर किच्छा में कई जगह पर मौके का मुआयना किया। विधायक बिहण ने अधिकारियों के साथ पुरानी गल्ला मंडी स्थित गोला नदी का दौरा किया और नदी के पास रह रहे क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। विधायक बिहण ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा 2-3 दिन के लिए भारी बारिश के अनुमान बताया गया है और पहाड़ों पर भी ज्यादा बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण उनकी क्षेत्रवासियों से अपील है जो भी नदियों के किनारे रहते हैं वो सतर्कता बरतें। पौड़ी में कीचड़ की वजह से रोडवेज बस फिसल गई। पौड़ी से दिल्ली जाने वाले रोडवेज बस सड़क पर कीचड़ होने से फिसल गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बरसात के समय में कोटद्वार दुगड़ा मार्ग पर मलबा आने की वजह से संवेदनशील बना हुआ है, जिसके चलते जगह जगह फिसलन देखने को मिल रही है। वहीं रोडवेज अधिकारी ने बताया कि किसी भी यात्री के चोट होने की खबर नहीं है, सभी को दूसरी गाड़ी में दिल्ली भिजवा दिया गया है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कस्बा चौकी मंगलौर में धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने पुलिस पर जबरन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के धरने की सूचना के बाद सीओ मंगलौर विवेक कुमार, एसएचओ मंगलौर अमरचंद शर्मा मौके पर पहुंचे और कांग्रेस नेताओं को समझा बुझा कर धरना शांत कराया। पुलिस चौकी पर धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर सहित दर्जनों कार्यकर्ता धरने पर बैठे। कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने पुलिस पर बेवजह समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। माओरानी विकास खंड माओरानी में 17 तालाब कागजों में ट्यूबवेल से भर दिए गए। मौके पर ग्रामीणों ने तालाबों को ट्यूबवेल से भरे जाने से इनकार किया। तालाबों को ट्यूबवेल से भरे जाने की बात को सुनकर ग्रामीण हैरान है। वो कहा कि ट्यूबवेल से तालाबों को भरे जाने की बात पूरी तरह से झूठ है। इस बारे में खंड विकास अधिकारी सुनील सिंह से कहा कि ट्यूबवेल से तालाब भरे जाने को ग्रामीण इनकार कर रहे हैं, तो खंड विकास अधिकारी ने जांच की कार्रवाई करने के आदेश दिए। जनपद में लगातार मूसलाधार बारिश होने व भारत के पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ी नदियों का पानी छोड़ने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जनपद में बहने वाली राप्ती नदी व बूढ़ी राप्ती नदी
अपने खतरे के निशान को पार करती नजर आ रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से शोहरतगढ़ ब्लॉक के साथ बढ़नी ब्लॉक व भनवापुर ब्लॉक के दर्जनों गांवों को बाढ़ के पानी ने घेर रखा है। बाढ़ आने से लोगों के सामने पशु के रहने और खाने की समस्या खड़ी हो गई है। कन्नौज में कांग्रेस ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। कांग्रेस सपा की तर्ज पर मना रही जन्मदिन। पीएडी वृक्षारोपण की तर्ज पर जन्मदिन से शुरू किया गया राजीव गांधी वृक्षारोपण अभियान। बूथवार कांग्रेस नेता वृक्षारोपण करेंगे। मकरंद नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर हुआ आयोजन। प्राचीन मकरंद नगर रोड के दोनों तरफ किया वृक्षारोपण। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंधविश्वास पर रोक लगाने की जरूरत है। बाबाओं के डर से देश की सरकारें डरी हुई हैं। पूरे देश में बाबाओं के बाजार विकसित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए आप नेता ने बताया कि नरेंद्र मोदी हिंसक विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं। आज से पूरे प्रदेश में लागू की गई प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति मामले में रायबरेली जिला शून्य पर रहा है। यहां राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि जिले में आज एक भी शिक्षक ने डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। वहीं बीएसई के पास अभी तक उपस्थिति का डेटा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि शाम तक इस मामले में कुछ बताया जा सकता है।